नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। आईएनएक्स मीडिया केस में 5 सितंबर तक जारी रहेगी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम 5 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे। शीर्ष अदालत ने चिदंबरम के वकील से कहा है कि फिलहाल वह निचली अदालत में सोमवार को दायर अंतरिम जमानत याचिका पर 5 सितंबर तक जोर नहीं दे। जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए एन बोपन्ना की पीठ ने कहा है कि चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेजने की निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। आईसीजे में पाकिस्तान के वकील ने टेके घुटने, कहा कश्मीर पर कमजोर है कि सबूत इकट्ठा करना काफी मुश्किल। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाने की बात कर रहा है। भारत का आंतरिक मसला होने के बाद भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी बेइज्जती करवा रहा है। यह बात हम नहीं, खुद पाकिस्तान के वकील भी कह रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी का कहना है कि कश्मीर में अगर कथित घटना हो रही है तो अभी उसके सबूत इकट्ठा करना काफी मुश्किल। कुरैशी ने कहा कि अगर सबूत नहीं होंगे तो पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर के मसले को आईसीजे में पेश करना काफी मुश्किल होगा। अयोध्या केस में सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलील, मुसलमानों को जबरन भगाया गया, सुप्रीम कोर्ट करे इंसाफ। अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के 18वें दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के विवादित जगह पर अपनी दावेदारी पेश की है। वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवल ने कहा है कि कोर्ट को देखना होगा कि जगह किसके पास थी और किस तरह से उसे वहां से हटाया गया। यह कहा जा रहा है कि 1934 के बाद मुसलमानों ने वहां नमाज नहीं पढ़ी, जबकि सच तो यह है कि उसके बाद हमें वहां जाने ही नहीं दिया गया। धवल ने कहा है कि 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को मस्जिद के भीतर एक साजिश की तरह मूर्तियों को रखा गया। मुसलमान तो वहां नहीं पा रहे थे लेकिन हिंदू पूजा कर रहे थे। आगे चलकर के जगह पर कब्जा करने के लिए रथ यात्रा निकाली गई। इसी का नतीजा था कि 1992 में इमारत गिरा दी गई। यह कहा गया कि उसे हिंदुओं ने नहीं गिराया, उपद्रवियों ने गिराया। वो उपद्रवी कौन थे? क्या उन्होंने गले पर क्रॉस पहना हुआ था? इंसाफ का तकाजा कि पूरी जगह मुसलमानों को लौटा दी जाए। प्रियंका गांधी ने तैयार की नई यूपी कांग्रेस, इस हफ्ते होंगे बड़े ऐलान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की देखरेख में यूपी कांग्रेस के बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाने वाला है, वहीं इसी हफ्ते पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान करने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी का कमान सौंपी थी। चुनाव की हार के बाद से सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया, इसीलिए अब कांग्रेस पूरे यूपी को जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को देने जा रही है। एक अहम बदलाव यह है कि नई प्रदेश कमेटी पिछले कमेटी से 10 गुनी छोटी होगी। सूत्रों ने कहा है कि अजय कुमार लल्लू को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। करतारपुर कॉरिडोर पर चर्चा के लिए आज मिलेंगे भारत पाक अधिकारी, तीसरी बार होगी मुलाकात। भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने पुष्टि की है कि करतारपुर कॉरिडोर की आखिरी रूपरेखा को जल्द आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के अधिकारी 4 सितंबर यानी बुधवार को मिलेंगे। इस बार बैठक भारत की ओर अटारी में 10:30 बजे होगी। इस बैठक के बाद भारत के पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर तकनीकी वार्ता के 5वें दौरे पर पहुंचने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते नई दिल्ली में इस मुलाकात का प्रस्ताव कर दिया गया था। यह तीसरा मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे, जिसमें से लाखों श्रद्धालु करतारपुर गुरुद्वारे का दर्शन कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के सरपंचों से मिले अमित शाह, का हर गांव के 5 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आए विभिन्न प्रतिमंडलों से कहा है कि धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के 73वें और 74वें संशोधन एक्ट लागू हो गए हैं, जिसमें से राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने सरपंचों से कहा है कि आप ही अब जम्मू कश्मीर के नेता हैं और आपको व्यवस्थाओं को लोगों तक ले जाना है। अब गांव की हुकूमत गांव के पास आ गई है, इसीलिए गांव सुधार से संबंधित काम सभी सरपंचों को करने होंगे। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी ही विभिन्न सरकारी सेवाएं भी शुरू कर दिए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना किसी सिफारिश के हर गांव में कम से कम 5 लोगों को सरकारी नौकरी मिले। सरपंचों द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने के विषय पर गृह मंत्री अमित शाह ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहाल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, 5 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में सरकार बनने में फेल रही कांग्रेस ने अब आगे के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गंगौर, लखनऊ कैंट, मणिकापुर, प्रतापगढ़ और जैतपुर विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। यूपी में बिजली महंगी, शहरों में 15% बढ़ी दरें, ग्रामीणों को देना होगा 500 रुपए फिक्स चार्ज। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ा दी गई। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में बिजली की दरें 12 से 15% महंगा करने का फैसला किया है। सरकार ने मंगलवार को नई दरों का ऐलान कर दिया है। घरेलू बिजली दरें 12% बढ़ा दी गई है, जबकि शहरों में 15% बढ़ा दी गई है। औद्योगिक क्षेत्र में 10% बढ़ा दी गई। ग्रामीण इलाकों में फिक्स चार्ज 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले अनुमान था कि सरकार बिजली दरें बढ़ा सकती है। विपक्षी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार पर आक्रामक हो रही है और हाल ही में दरों को लेकर के राज्य विद्युत उपभोग परिषद ने इसका ऐलान किया था कि किसी भी हाल में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
व्हाट्सएप पर प्राइवेट चैट को लेकर के रहे सतर्क पड़ सकता है आपका कोई प्राइवेट चैट। व्हाट्सएप में एक नया बग यानी वायरस का पता चला है जिसका यूज करके हैकर्स आपके प्राइवेट चैट को हैक कर सकते हैं। गूगल के प्रोजेक्ट जीरो टीम ने इस बग का पता लगा है और ISO यूजर्स को आगाह किया है कि वे किसी भी सर्कुलेटिंग मैसेज वाली वेबसाइट को क्लिक न करें। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए काफी खतरा माना जा रहा है। हालांकि व्हाट्सएप के मालिकाना हक वाली फेसबुक ने हमेशा एंड टू एंड एप्लीकेशन का हवाला देते हुए अपने को काफी सिक्योर प्लेटफॉर्म बताया है, लेकिन गूगल रिसर्चर युवान बिर ने इस बग में होने की बात कही है। गूगल ने कहा है कि कुछ ऐसे वेबसाइट है जिसमें ऐसा खतरा है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता टेक टू ने वेबसाइट को बताया है कि व्हाट्सएप यूजर्स को प्राइवेसी की काफी चिंता रहती है, इसीलिए व्हाट्सएप में किसी बग या वायरस होने की बात कहना गलत है। हम हमेशा यूजर्स को इस बात की सलाह देते हैं कि वे लेटेस्ट सिक्योरिटी अपलोड को डाउनलोड करके रखें। हिरासत में रहने के बावजूद भी पी चिदंबरम ने GDP में गिरावट को लेकर के कह दी बड़ी बात। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने देश की गिरती GDP को लेकर के तंज कसा है। CBI हिरासत में ले जाने के दौरान जब कोर्ट परिसर में मौजूदा पत्रकारों से पी चिदंबरम ने पूछा कि आपको कुछ पूछना है तो पी चिदंबरम ने कहा 5%। इसके बाद पत्रकारों ने पूछा 5% क्या है तो चिदंबरम ने जवाब में कहा है कि आपको तो 5% याद ही होगा। आपको बता दें कि हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहली तिमाही में GDP वृद्धि दर कम होकर के 5% रह गई है। यह पिछले 6 साल में अधिकतम समय में से कम वृद्धि दर रही है। बीते शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़े में यह जानकारी दी गई है कि पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन वृद्धि 0.6% रही है, जो पिछले साल इसी अवधि में 12.1% रही थी। पाकिस्तान की महीने भर में निकली हेकड़ी, मजबूर होकर के भारत से जीवन रक्षक दवाओं की आयात को दी मंजूरी। पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर मुद्दे को लेकर के भारत के साथ बढ़ते तनाव के बावजूद पड़ोसी देश से जीवन रक्षक दवाओं का आयात करने को अपनी मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पर विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने के निर्णय के बाद पाकिस्तान ने अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे और भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध भी खत्म कर लिए थे। भारत ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का आंतरिक हिस्सा है और यह मुद्दा पूरी तरह से देश का आंतरिक मसला है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने एक वैधानिक नियमिकी आदेश जारी करके भारत से दवाओं के आयात और निर्यात को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। 10 सरकारी बैंकों का विलय, IDBI बैंक को लेकर के हुआ बड़ा ऐलान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और बैंकों को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने IDBI बैंक को 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज देने की मंजूरी दे दी है। सरकार लगातार बैंक को लेकर के बड़ा कदम उठा रही है। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के 10 बड़े बैंकों को मर्जर करने का ऐलान किया था। अब देश के सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 हो गई है। इससे पहले साल 2017 में सरकारी 27 बैंक थे। पिछले साल में PCU बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गई है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट सिक्योरिटी रिसर्च के मुताबिक इस फैसले से बैंक को बड़ी राहत मिलेगी, इसीलिए शेयर बाजार की भारी गिरावट से भी IDBI बैंक का शेयर 7% से ज्यादा बंद हुआ है। अगले दिन और शेयर बाजार में तेजी रह सकती है। UPA सरकार में मंत्री रही कुमारी सैलजा को बनाया जा सकता है हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष। UPA सरकार में मंत्री रही कुमारी सैलजा को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसकी घोषणा आज हो सकती है। दरअसल हरियाणा में पार्टी नेताओं के लंबे समय से यह झगड़ा चल रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष कुमार अशोक तंवर और भूपेन हुड्डा दोनों ही पार्टी के सिरदर्द बने हुए हैं। एक समय तो ऐसा भी आया कि हुड्डा समर्थकों ने अशोक तंवर की पिटाई भी कर दी, जिसके बाद अशोक तंवर ने भूपेन हुड्डा और समर्थकों पर SC ST एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कराया था। UPA सरकार में मंत्री रहे गांधी परिवार के करीबी कुमारी सैलजा को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। खबर है कि इसकी योजना आज हो सकती है। रूस में 36 घंटों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश के नए अवसर तराशेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रूस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत के लिए कुछ नए नुस्खे तराशने की कोशिश करेंगे। रूस के व्लादिवोस्तोक में हो रहे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में खास मेहमान शरीक होने पहुंचे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश जहां तक नए निवेश के अवसर तराशने की होगी, वहीं भारतीय हुनर के लिए नए बाजार खोलने का भी प्रयास होगा। चुनाव की वजह से इजराइल के PM नेतन्याहू ने रद्द की भारत की यात्रा। चुनाव की वजह से इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। यात्रा से 5 दिन पहले नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और इजराइल में चुनाव के कारण अपनी यात्रा को रद्द करने की सूचना दी। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि वह आम चुनाव के बाद भारत का दौरा करेंगे। इजराइल में 17 सितंबर को आम चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि इजराइल में इसी साल 9 अप्रैल को चुनाव हुए थे। इस चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। वह गठबंधन बनाने में भी नाकाम रहे थे, जिसके बाद इजराइल में 17 सितंबर को दोबारा चुनाव होने हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामला, ED ने DK शिवकुमार को किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता ने कहा मैं बदले की राजनीति का शिकार। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता DK शिवकुमार को ED ने गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। वे ED के रडार पर चल रहे थे। कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कनकपुर के विधायक DK शिवकुमार पूछताछ के लिए चौथी बार मंगलवार को ED के सामने पेश हुए हैं। ED अधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस नेता को हिरासत में लेकर के पूछे जाने की जरूरत है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को खारिज किया, कहा इकोनॉमी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो विश्लेषण किया है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। केंद्र सरकार जो करती है वो करती है। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था हालात को चिंता रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आरोपों को पूरी तरीके से सरकार ने खारिज कर दिया है। आज का माइंड पीस क्वेश्चन आ चुका है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? इसका जल्दी से जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया के सारी खबरों से रह सके अपडेट।